आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 1 जून से देश भर के साथ साथ ताज नगरी भी अनलॉक हो गई है। अनलॉक के दौरान बिजली घर स्थित शिवाजी मार्केट ग्राहकों के लिए खुल गई है। मार्केट में आने वाले ज्यादातर ग्राहक फेस मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर शिवाजी मार्केट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्याम भुजवानी ने चिंता जाहिर की है। 1 जून से देश भर के साथ ताज नगरी भी अनलॉक हो गई है। अनलॉक के दौरान बिजली घर स्थित शिवाजी मार्केट ग्राहकों के लिए खुल गई है। मार्केट में आने वाले ज्यादातर ग्राहक फेस मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। इस पर शिवाजी मार्केट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्याम भोजवानी ने चिंता जाहिर की। देखिए, व्यापारी तो गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन जो लोग बाजारों में आते हैं, मुझे लग रहा है उनको कोई अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। ना मास्क लगाते हैं, ना सैनिटाइज जेब में रखते हैं। अरे, जब हम रहेंगे तभी तो हमारा परिवार रहेगा। सबसे पहले जब घर से निकलें तो उनको सोशल डिस्टेंस का दिमाग में लेके चलें कि हमें सोशल डिस्टेंस का क्या होगा। 10 मिनट बाद नंबर आएगा, 15 मिनट बाद नंबर आएगा। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एक दफ़ा सामान ले गए, फिर दिमाग में आई थी मेरी काली मिर्ची तो रह गई, फिर दूसरे दिन पता चला कि 10 रुपये की काली मिर्ची के लिए निकल लिए। तो ये अपने आप को दिमाग में से उतार लें कि कोरोना नहीं है, कोरोना की बीमारी बहुत घातक बीमारी है, और अपने परिवार का ख्याल लगाएं। और बाज़ारों में जिस तरीके से हम व्यापारी पूरा पालन कर रहे हैं प्रशासन का, आप देख रहे हैं, एक तरफ की दुकानें बंद होती हैं, एक तरफ की दुकानें खुलती हैं, और सिस्टम से समय से करते हैं। शिवाजी मार्केट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्याम भोजवानी ने कहा कि मार्केट के सभी दुकानदार प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार खुद और उनका स्टाफ हैंड सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग बिना मास्क के निकलते हैं, बिना सैनिटाइज के निकलते हैं, बिना डिस्टेंस का ख्याल करते हैं, उन लोगों के संग पूरी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग समय से दुकानें नहीं बढ़ाते उनका भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम हमारे यहाँ 10 से 5 है, और निश्चित तौर पे हम 10 के भी बल्कि 11 आने ही करते हैं, 10:30 आने ही करते हैं, ताकि हमको भीड़ से बचें और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखो, अभी तो कोई पब्लिक में कोई जागरूकता नहीं फैली है, फिर भी पुलिस के सहयोग से लोग चालान भी कर रहे हैं पुलिस, और हम भी अपना पूरी जागरूकता कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। ग्राहक भी इस टाइम कम निकल रहा है बाहर, मार्केट में कम आ रहा है, लोगों को सैनिटाइज़र मास्क बिना हम माल नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से जागरूकता कर रहे हैं। पब्लिक में अवेयरनेस की कमी है, अभी गवर्नमेंट को अभी अवेयरनेस करना चाहिए कि ताकि लोग साफ़ सुथरे बने रहें, साफ़ सुथरा खाएँ, बाज़ार के लोग कम खाएँ। बाज़ार में आजकल खुलेआम सारा खाना पीना चल रहा है, जिससे बीमारियाँ भी फैल रही हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो खुले में खाना पीना चल रहा है, बिना हाथ धोए लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं, इससे बीमारी बढ़ावा मिल रहा है बीमारी को। शिवाजी मार्केट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्याम भोजवानी ने जिला प्रशासन से शहर के लोगों को फेस मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को करने की अपील की है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।